सबसे पहले दीपावली और धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय मैं अहिंसा सर्कल रेलवे स्टेशन के सामने हूँ। बाजार के अंदर धनतेरस पर बंपर खरीदारी हो रही है। पीछे तस्वीरों में आप देखो, यहाँ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। चारों ओर जो है नव बाड़मेर के बाद सफाई अभियान यहाँ शुरू हुआ है, बढ़िया चला रहा है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस तैनात है। पूरे बाजार के अंदर कोई दोपहिया और चरपहिया वाहन नहीं जा रहा है। किसी भी गाड़ी को वहाँ जो है जाने की अनुमति नहीं है। अलग अलग जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, पार्किंग के लिए यहाँ बैरिकेटिंग भी लगा रखे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। यहाँ लगातार इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर के अंदर किसी प्रकार के व्यापारियों के लिए, खरीदारों के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। दीपावली त्यौहार पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ जो है अधिकारी स्वयं यहाँ मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बाड़मेर के अंदर नव बाड़मेर अभियान के बाद में शहर की सफाई व्यवस्थाएं यहाँ दुरुस्त की गई। देखिए बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां यहाँ है, पुलिस के आला अधिकारी है। रिजर्व पुलिस को भी शहर में लगाया गया है ताकि शहर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धनतेरस की, दीपावली की जो है खरीदारी हो सके। बड़ी संख्या के अंदर लोगों की आवाजाही यहाँ है, वाहन यहाँ आ रहे हैं। लेकिन रिंग रोड शुरू होने के बाद भारी वाहन जो है NH-68 से भी नहीं चल रहे हैं, रिंग रोड से जा रहे हैं। शहर के अंदर इस बार पुलिस ने कानून व्यवस्था के लिए कमर कसी है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो, त्योहारों में खलल पैदा नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने, नगर परिषद ने शानदार व्यवस्थाएं की है। जो दानदाताओं और भामाशाहों ने सर्कल लिए, उन्होंने रोशनी की व्यवस्था की है। बाजार पूरे के अंदर देखें, सार्वजनिक स्थानों पर नगर परिषद की ओर से शानदार व्यवस्थाएं की गई है रोशनी की। आप देख रहे हैं कि जिला कलेक्टर के निर्देश में पूरे शहर के अंदर जो है दीपावली त्यौहार के लिए अलग अलग शानदार व्यवस्थाएं की गई है। वहीं इस बार पुलिस की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। यातायात व्यवस्था कहीं भी जो है देखी जा रही है। दीपावली के त्यौहार की तेजल मीडिया टीम की ओर से तो आपको बधाई है, लेकिन प्रशासन और नगर परिषद की भी तारीफ करनी होगी। कभी तो तारीफ बनती है, क्योंकि इस बार की व्यवस्थाएं शानदार की गई है। जनप्रतिनिधि लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो काम है जिला कलेक्टर मैडम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान भी वहाँ दौरे पर निकल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कप्तान के दौरे पर निकलने के साथ साथ सभी जगह अधिकारी जो है काम में लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस की बड़ी संख्या है, गाड़ियों की आवाजाही लगातार है। आप जहाँ भी देखेंगे गाड़ियों की बड़ी आवाजाही यहाँ लगी हुई है। ये अहिंसा सर्कल से ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बार एक बार पुनः आपको दीपावली की शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण से त्यौहार निपट जाए, कोई अप्रिय घटना नहीं हो। फटाखों की दुकानें जो है उनको आदर्श स्टेडियम में किया गया है ताकि बाजार के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं जो है भंग नहीं हो। अधिकारी मौके पर है। शहर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से खरीदारी हो रही है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार। सबसे पहले तो बाड़मेर वासियों को दीपावली की हार्दिक पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं, और सुबह से जो हम व्यवस्था बढ़ाए हुए हैं उसमें अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए उनको धन्यवाद। क्या व्यवस्थाएं कर रखी है सर? इस बार जो 5 दिवसीय दीपावली का त्यौहार है, इस त्यौहार पे आज पहला दिन धनतेरस है। इस पे बाड़मेर शहर का जो स्टेशन रोड मुख्य बाजार है, जो अहिंसा सर्किल से गांधी चौक और उसके आगे हनुमान मंदिर वगैरह, ये पूरा बाजार है। इस बाजार में हम दोनों तरफ से यातायात व्यवस्था को अंदर की सुचारू करने के लिए 4 पहिया 3 पहिया वाहनों को डाइवर्ट कर रहे हैं दोनों तरफ से। उस और उन डाइवर्ट वाहनों के लिए हमने अलग से पार्किंग व्यवस्था की है। पास में हाई स्कूल का मैदान है, उसके अलावा पुराना तिलक बस स्टैंड है। इस तरह से 2-3 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुबह से ये प्रक्रिया चल रही है और व्यापारियों और आमजन उनके भी हितार्थ ये सब यातायात व्यवस्था चल रही है और सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और अब तक
बहुत ही अच्छा माहौल रहा है और हम आगे भी इसी तरीके से 5 दिवसीय त्यौहार में पूरा अपनी व्यवस्था बढ़ाए रखेंगे। और इस संबंध में हमको पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने विशेष निर्देश दिए हुए हैं अलग से यातायात के लिए और कानून व्यवस्था के लिए काफ़ी जाब्ता इकट्ठा कराया हुआ है और वह शिफ्टों में पारियों में अपना कार्य कर रहा है। लगातार 5 दिन तो रहेगा काम यह जाब्ता पूरा, हाँ कोई समस्या नहीं हो। हाँ बिल्कुल, यह 5 दिवसीय त्यौहार के लिए दीपावली आज कल और परसों दीपावली तक और उसके पश्चात दूसरे दिन भाई दूज वगैरह जितना अपेक्षा से चित्र जरूरत है उसी अनुरूप पर्याप्त रूप से जाब्ता लगा हुआ है और यातायात और कानून व्यवस्था को हम बढ़ाए हुए हैं।